जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास में फिर से लेकर आया हूँ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। और स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस के ये जो क्वेश्चंस हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इसमें बहुत सी वैरायटीज हैं, तो आज हम कुछ खास क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो कि हमारे आज के सवाल हैं, वो हम रहेंगे हमारे आम दिनचर्या से जुड़े हुए। क्योंकि पहले जो हमने क्लासेस में पढ़ा, उसमें हमने चोर सिपाही से जुड़े क्वेश्चन पढ़े, रेलगाड़ी से जुड़े हुए, क्योंकि रेलगाड़ी में डिस्टेंस एंड टाइम का बहुत ज्यादा है। अब हम आम जिंदगी से जो है वो पढ़े हुए बने हुए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। पहला सवाल आपका ये रहा, पहला सवाल है ये, पहला सवाल कहता है कि एक स्कूटर चालक है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो बताओ कि 1.5 घंटे में ये कितनी दूरी चल लेगा, यानी कि कितनी दूरी तय करेगा। अब आपको पता होना जरूरी है कि ये 1.5 घंटे का क्या मतलब हुआ, 3/2 कितना हुआ, 2 × 2 = 1 = 3/2। अब इन्होंने बोला है दूरी कितनी चल लेगा, दूरी होती है डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, है ना, कितना होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, स्पीड है जी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये किस चीज में है, टाइम, ये भी घंटे में है। तो इसलिए बच्चों 60 × 3/2, क्योंकि यूनिट सेम है, इसलिए हम जो है यूनिट्स को इक्वल ही चलाएंगे। आई होप कि आपको मेरी बात क्लियर हो गया होगा। 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, तो 3 × 3 = 90, तो करेक्ट आंसर रह जाएगा 90 किलोमीटर की जो है वो दूरी तय करेंगे। बहुत ही उम्दा सवाल है, और ये एग्जांपल्स जो मैं दे रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे, आपके बेसिक्स को बनाने के लिए। तो आप ही की डिमांड थी कि सर और बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर आइए, मैं आपको बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन तक का लेकर जाऊंगा। प्यारे बच्चों, बस आपने इस कुछ नहीं करना है, आपने इन वीडियोस को बार बार देखना है। मैं आपको ये वादा करता हूं कि अगर आप मेरे साथ इन क्लासेस में रहेंगे तो मैं आपको 0 से 0 क्या 1000 तक भी पहुंचा दूंगा, क्योंकि आपको हर चैप्टर के बेहतरीन क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हर वीडियोस में, नई नई वीडियोस में। एक गाड़ी है, रेलगाड़ी ने 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि वे 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लेगी। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अब सवाल जो है ये दो भागों में है, ठीक है। पहला ये पूछा है कि रेलगाड़ी जो चल रही है या गाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी आ रही है मुंह पे बार बार, ठीक है, 180 की स्पीड से चल रही है और मतलब 180 किलोमीटर दूरी तय कर रही है 4 घंटे में। एक गाड़ी है, ये गाड़ी है, और ये क्या कर रही है, 180 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितनी देर में तय कर रही है, 4 घंटे में तय कर रही है। तो ये ही दूरी का जो है 2/3 जो चले तो वो किस चाल से जो है वो कवर करेगी, 2/3 चाल से चले तो कितना समय लेगी, ये निकालना है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करता हूं। तो सबसे पहले तो हमें उसकी चाल निकालनी है, चाल होती है दूरी बटा समय, ठीक है जी। दूरी होगी उसकी 180, समय क्या हो गया आपका 4, तो कितना आ गया बेटा 45, ठीक है जी, कितना आ गया जी 45 आ गया, ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। अब बोला है कि वे 2/3 चाल से चले, मतलब 45 का 2/3, तो 2/3 होता है 2/3,
तो तीन एकम तीन, तीन पंजे पंद्रह और पंद्रह दुनी तीस, कितना होगा जी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हुआ क्या, इन्होंने कहा है कि वो चल रहा है पर दो तिहाई जिस चाल से चल रहा है उस चाल का दो तिहाई यानी कि 45 का दो तिहाई चले, तो इसलिए हमें 45 का दो तिहाई निकालना पड़ा और दो तिहाई क्या हुआ उसका 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना हुआ जी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि दो तिहाई से चलेगा तो बताओ कि वो कितना समय लेगा और समय किसके बराबर होता है बच्चों, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस फिर से सेम तो रहेगा पर चाल कम होगी, 30 आ गई 6, कितना लेगा जी 6 घंटे, कितना लेगा जी 6 घंटे। ठीक है, मगर उन्होंने बोला था कितना अधिक समय लेगा, तो पहले तो बच्चे कितना समय ले रहा था 4 घंटे, अगर वो 45 की स्पीड से जा रहा था तो वो 4 घंटे ले रहा था, मगर वो 45 उसी चाल का दो तिहाई, दो दो तिहाई हो गया 30, तो अब वो कितना अधिक समय लेगा, तो अधिक समय के लिए हमें 6-4 यानी कि 2 घंटे का अधिक समय लेगा, तो ये दूरी जो है उसी चाल के दो तिहाई से पूरा करेगा। आई होप कि आपका अंडरस्टैंडेबल हो गया जी अंडरस्टैंड। किसी को क्वेश्चन नहीं आए तो जरूर बताएं, ध्यान से देखें, क्वेश्चंस बहुत उम्दा क्वेश्चंस हैं, मैंने स्पीड एंड टाइम के बहुत तगड़े से तगड़े क्वेश्चंस सोचे हैं आपके लिए, इसीलिए बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर डेली आ रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए, एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, ठीक है, और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है, मतलब 30 की चाल से जा रहा है तो जितना उसने दौड़ना है वो 2 घंटे में अपना काम कर दे रहा है, यदि वे 1.5 घंटे में ही अपनी दूरी पूरी करना चाहे तो वो किस चाल से उसको दौड़ना पड़ेगा ये बताना है। अगर उसे 1.5 घंटे में ही अपनी चाल बेटा पूरी करनी है या अपनी पूरी रास्ता पूरा तय करना है तो वो उसे चाल क्या रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन सोचिए सोचिए, आप सभी ट्राई भी करिए साथ साथ में, कोई इशू नहीं है, बहुत ही उम्दा सवाल है। सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि बिल्कुल सही जी बिल्कुल, तो कि उसने ये जो इधर से लेकर इधर तक जो किया है तो है क्या उसका डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो गया स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी लगा रहा है वो 30 की, टाइम कितना ले रहा है 2 घंटे यानी कि 60 किलोमीटर की क्या किया है उसने दूरी तय की है। समझ आया कि नहीं आया, इतना समझ आया कि नहीं आया, आप ये जरूर जवाब देते रहे, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है प्यारे बच्चों तो जरूर पूछना है और इन कॉन्सेप्ट्स को जो है आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि उसे अब 1.5 घंटे में अगर इतनी दूरी तय करनी है तो चाल क्या होगी, और हमें पता है चाल जो है वो दूरी बटा समय के बराबर होती है, तो दूरी अब पता है, पहले दूरी का पता नहीं था इसलिए हमें दूरी कितनी रखी 60, समय समय दिया है
दो एकम दो, जो दो जमा एक तीन, तो 3/2 ये उल्टा हो जाएगा 60 × 2/3 और 3 से ये कैंसिल हो कर दो तो कितना आ गया 40 और 40 क्या आएगा ये किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि किलोमीटर पर आवर्स। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा और आप और भी बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका सामने आ चुका है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कार इतने घंटे तक यात्रा करती है, यदि वे 20% तेज चले तो उस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लेगी। क्वेश्चंस देखिए कितने बेहतरीन है। क्वेश्चंस की बात देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। ट्राई करने की कोशिश करिए, खुद को अजमाइए कि मुझे कितने आ रहे हैं। खुद को अजमाएंगे तो ही आपको आइडिया लगेगा कि मैं कितना प्रिपेयर हो पाया हूं या हो पाई हूं। यही क्वेश्चंस जो हैं मुड़ मुड़ कर आते हैं। अब तैयारी करनी है तो भैया एक बार तो बैठना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रहा है और इतनी दूरी तक, मतलब घंटे में दूरी तय कर रहा है, तो दूरी सबसे पहले निकाल लो यानी कि डिस्टेंस आप जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो बेटा स्पीड कितनी होगी 50 और टाइम कितना होगा 2 × 2 = 4 और 1/5/2। किलोमीटर की दूरी। इतना समझ आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उन्होंने कहा है कि यदि वो 20% तेज चले, ठीक है, 20% तेज चले यानी कि जहां उसका 50 स्पीड कितनी थी 50 की, उसका 20% तेज चले, 20% कितना हो गया, 20% कितना हो जाएगा जी 120/100। 20% मतलब 20% का क्या मतलब होगा बेटा 120। क्यों होगा 120? क्योंकि 100 से ऊपर चल रहा है। कितना आ जाएगा 120/100 कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। अब उन्होंने बोला था आगे, तो उस यात्रा में उसे कितना समय लगेगा। स्पीड हमारे पास है, डिस्टेंस हमारे पास है, तो न्यू स्पीड इज इक्वल टू, सॉरी न्यू स्पीड के साथ जो है टाइम निकालना ना हमने, तो डायरेक्ट टाइम ही लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू स्पीड जो कि न्यू वाली आएगी अब, ठीक है, ओवर स्पीड क्यों आएगी, डिस्टेंस आएगा ना, डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है। डिस्टेंस ओवर न्यू स्पीड, तो डिस्टेंस कितना हो गया 125, स्पीड कितनी होगी 60 की, कर लो 5 से, ठीक है जी, कितना आ जाएगा बोलो, 5 × 5 = 10 = 25 25/12 12 × 2 = 24 और 1 = 25। तो टाइम कितना लग गया 2 घंटे
2 घंटे तो बन गए और सही 1/12 है, तो इसलिए गुणा 60 कर लो। चाहे मैंने कल परसों भी बताया था आपको पिछली क्लासेस में, 5 60 यानी कि 2 घंटे ठीक है और 5 मिनट। अब बताओ सवाल क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये कन्वर्जन जो है वो हमें आनी चाहिए। मैं बार बार फिर से समझा देता हूं, जैसे आपका 25/12 था तो 12 × 24 और 1/25 ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू होती है बेटा ये आवर को शो करती है, जैसे हमारे एज पर सिचुएशन में आवर्स चल रहे हैं, मीटर नहीं चल रहे, नहीं तो फिर हमने मिनट और फिर सेकंड आने थे ठीक है। तो अभी ये जो सिचुएशन है ये 2 जो है वो आवर को शो कर रहा है, किसको कर रहा है, आवर्स को। और ये वाली जो वैल्यू होती है फ्रैक्शनल, इसे हम हर बार 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आवर से छोटा होता है मिनट, इसलिए हमने मिनट लिखा है ठीक है। मतलब जैसे यूनिट होगी उससे छोटे मिनट की वैल्यू जो है वो हमारी कहां आएगी, उसके बाद आएगी। अगर इसके बाद भी फ्रैक्शन बनता तो बेटा सेकंड्स भी निकल जाने थे ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, किसी यात्रा को आधा भाग, किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करिए, यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करिए। अब बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। कोशिश करने करिए, बहुत ही सिंपल सवाल है, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए ठीक है। अब आपके पास यहां पर क्या दिया हुआ है, स्पीड, और फिर से क्या दिया हुआ है, स्पीड, और इन दोनों स्पीडों का जो कॉम्बिनेशन है वो 10 घंटे से है, क्योंकि मैंने अगर कहीं जाना है, मान लीजिए मैंने शिमला जाना है या कहीं पे भी जाना है, तो मैंने आधा रास्ता अगर हमीरपुर तक गया हूं ठीक है किसी चाल से, तो आधा रास्ता मैं फिर से किसी चाल से शिमला तक गया हूं, पर मैंने हर बार जो है वो क्या किया है, एक तो कंबाइंड, एक तो रह गया दूरी, दूरी ना कम होगी ना बढ़ेगी, वो बराबर ही रहेगी फिक्स, मगर इन्होंने हमारे पास फिक्स करके क्या दे दिया है, टाइम, कि मैंने पूरी यात्रा में जब की थी तो बेटा 10 घंटे में मैंने पूरी की पूरी यात्रा जो है वो कवर कर ली थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा टाइम है वो किसके इक्वल हुआ, टाइम हुआ डिस्टेंस ओवर स्पीड ठीक है, यानी कि डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब डिस्टेंस अगर हमारा फिक्स है, टाइम हमारे 10 घंटे हैं, तो डिस्टेंस वैसे ही रहने दीजिए। पहली बार में स्पीड कितनी थी, 21, और दूसरी बार 24, डिस्टेंस वही रहा, मगर ये वैल्यूज मैंने 2 बार लिख दी ठीक है जी। डिस्टेंस कितना आ गया, अच्छा 12 है, 21 नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 21 क्लियर अब ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, डायरेक्ट आपको आंसर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 168 ठीक है जी, किससे जाएगा, 8 से चलेगा 8x, और ये किससे चलेगा, 7 से 7d, x तो क्यों लेना, d ले रहे हैं तो d लेंगे, और ये 10, और 8 और 7 कितने हो गए, 8 और 7 कितने हो गए, 15 ठीक है, 15d ओवर 168 इक्वल टू 10। अब इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा 5 × 10, 5 × 3 = 15,
तीन एकम तीन, तीन पंजे पंद्रह और तीन छिके अठारह और छह दुनी बारह और पांच दुनी दस और एक ग्यारह। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? हाँ मिस्टेक हो गई। अच्छा अभी डिस्टेंस कितना आ गया ये हमारा, कितना आ गया बेटा 112। अब डिस्टेंस हमने 112 जो निकाला है वो एक का निकला ना, दो बार डी डी है, इसलिए 112 जमा 112 दो बार कर लेंगे, ठीक है। तो पूरा हो जाएगा दो दुनी ये चार, ये दो और ये भी दो, 224। कितना आ गया अब 224, ठीक है। ये पूरी की पूरी यात्रा हुई 224, क्योंकि d हम दो बार ले रहे हैं, डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो डिस्टेंस ओवर स्पीड दो बार आ रहा है, तो इसलिए हमारा जो d है वो दो बार यानी कि प्लस हो जाएगा। क्लियर है जी। अगला सवाल सेम रहेगा, मैं आपके लिए खुद बोलूंगा कि प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्वेश्चन साथ में लेकर आता हूं, आप ना साथ साथ में कॉपी पेंसिल लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों, ठीक है। एक साइकिल सवार है, निश्चित दूरी का आधा जो है वो 6 किलोमीटर और शेष जो है वो आधा जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 11 घंटे का समय लेता है, तो वे कितनी दूरी तय करेगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। आधा यानी कि डी है ना, 6 से आधा डी, आधा आधा है ना, तो ये तो बाद में पूरा कर रहे हैं हम, 5 टाइम कितना लगा रहा है 11, 30 एलसीएम ले लो, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन इजी लग रहे हैं कि टफ लग रहे हैं? 6 5 11, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी होगी, टोटल कितना हो गया दूरी 30 30, कितना हो गया 60, कितना हो गया जी 30 30, 60 किलोमीटर हो गया। अब आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। कोई इस प्रकार से क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चंस को साथ साथ में करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर, बस इसमें क्या हुआ, अब तीन चाले आ गई, छोटा छोटा छोटा, तो वही तीन दूरियां हैं, सिमिलर रहेगा ना, ठीक है। क्या रहेगा बोलो, डिस्टेंस ओवर 15, डिस्टेंस ओवर 12 और डिस्टेंस ओवर 20 इक्वल टू 12। सही है, क्वेश्चन समझ आए, दिमाग में पड़े तो वीडियो को शेयर जरूर करना। कितना एलसीएम आ जाएगा बेटे 60, 15 चौके 60, 12 5 60, 20 60, ठीक है जी, ठीक है। 5 4 9 और 3 12, 12 बटा 60, 12 से 12 गए और डी की वैल्यू कितनी आ गई 60। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ प्यारे बच्चों, मेरे को जरूर बताना। अब इसमें यह पूछा था तो प्रत्येक दूरी, प्रत्येक मतलब तीनों की दूरी बतानी है तो 60 होगी, कुल निकालनी है तो 180, 60 60, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी 180। इस वक्त के अनुसार जो है हर एक किसी को कितनी कितनी दूरी पड़ रही है, 60 60 पड़ रही है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, तो पिछले क्वेश्चन में भी यही था, वे कितनी दूरी तय करते हैं, तो वो दो बार दूरी तय कर रहे थे, तो एक बार 30 कर रहे, दूसरी बार भी 30 कर रहे थे, और इसमें क्या किया, इसमें बोला प्रत्येक की दूरी बताओ, नहीं तो कुल दूरी बताओ, तो 180 होता, पर प्रत्येक की दूरी कितनी हुई 60 60 की। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, क्लियर है क्वेश्चन, तो जल्दी से रिप्लाई करें। जी 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 ठीक है जी, ठीक।
एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से पढ़िए। इसके दो टाइप्स हैं, ए और बी हैं। देखिए, स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा है और उससे 500 मीटर दूरी पर बी स्थान पर एक चोर उसे देखता है, यानी कि ए स्थान है और ये बी स्थान है और चोर जो उसको कुटर कुटर करके देख रहा है, पुलिस वाला देख रहा है मेरे को, ठीक है। और इन दोनों की यानी कि बीच की दूरी 500 मीटर की होगी, क्लियर है इतना, ठीक है जी। क्योंकि दूरी से देख रहा है ना, बाइक कहाँ है, खड़ा कहाँ है, ओ रहा खड़ा है, तो यानी कि पुलिस वाले और चोर के बीच में मध्य कितनी होगी, 500 की दूरी होगी। और आगे की ओर भागने के लिए वो शुरू हो जाता है, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा कितनी की स्पीड से जा रहा है, कौन भागेगा, चोर भागता है। अब चोर अगर 15 भाग रहा है तो मैंने बेटा पहले ही पढ़ाया है आपको, सिपाही को उससे ज्यादा ही स्पीड रखनी पड़ेगी, तो उसने कितनी की रख ली है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने की, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल रख ली है, स्पीड रख ली है। तो बताओ कि चोर कितने समय में पकड़, यानी कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा और कितनी चोर के साथ जो है सिपाही ने दूरी भी तय की। बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है। तो पहला पार्ट मैं आपको बताऊंगा, अब आपको पता है समय निकालना है पहले पार्ट में, तो समय किसके बराबर है, वो है दूरी बटा चाल के बराबर। तो दूरी कितनी तय की, 500। इतना समझ आया कि नहीं आया। अब मैंने जिस दिन आपको पढ़ाया था उस दिन मैंने आपको यह पढ़ाया था कि इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस निकालना होता है, रिलेटिव डिस्टेंस होता है दोनों की चालों में अंतर, जो कि अंतर कितना आया प्यारे बच्चों, 5। और देखने में ही आपको पता लग रहा है ये मीटर में है, ये किलोमीटरों में है, इसलिए इसको क्या करेंगे, 5/18, ठीक है जी, 5/18 भी करेंगे, ठीक है जी। तो कितना आ गया, बोलो बोलो, क्लियर करो, 500 ये हो गया, ठीक है जी, गुना 5 × 5 और 18 ऊपर हो गए, कितना हो गया, 360, कितने हो गए जी, 360 हो गए हैं, ठीक है जी। अब क्या है, अब ये क्वेश्चन जो है वहां आकर खड़ा हो गया जहां पर हमें प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है, क्या कि ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑप्शंस पे डिपेंड नहीं होते हैं, तो उस वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकती है। अगर ऑप्शंस होंगी तो फिर हम ऑप्शंस देख के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं आपका आंसर देख लेता हूं पहले, तो आंसर है यहां पर 6.20 मिनट है पहले की ऑप्शन है, तो यानी कि इसको हमने किसमें कन्वर्ट किया है, ये सेकंड्स में, क्या है, सेकंड में, ठीक है जी। तो इसको हम क्या करेंगे, 3660 को 60 से ही डिवाइड कर देंगे कि मिनटों में कन्वर्ट करने के लिए, 0 से 0 गया, 6 कम 6 6 6 के 36, यानी कि 6। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अब समझ जरूर आ गया होगा, जिसको नहीं आए रिप्लाई जरूर करें हमें। नेक्स्ट आता है दूरी पूछी थी, अब आंसर तो सामने है सर, सामने तो दिख रहा है, कोई बात नहीं, ऑप्शंस दिख रही है ना आपको, करना कैसे है वो सीखिए आप, सेकंड पार्ट है ये। तो दूरी डिस्टेंस बराबर है स्पीड इनटू टाइम, तो बेटा स्पीड कितनी है, अब स्पीड जो है हर बार पुलिस वाले की देखी जाए, किसकी देखी जाएगी, पुलिस वाले की, तो पुलिस वाले की स्पीड कितनी है, नहीं
20 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब टाइम क्या लेंगे, टाइम क्या लेंगे, टाइम सेम यूनिट का लेना पड़ेगा भैया, ये वाला तो ले नहीं सकते, मिनटों में घंटों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो घंटों में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिनट से बड़ा, ये सेकंड था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीखने के लिए, सेकंड से हमने किसमें कन्वर्ट किया, मिनटों में, और मिनटों को हम घंटों में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर सेकंडों को मिनटों में कन्वर्ट, सीधा घंटों में कन्वर्ट करना है तो 3600 करना पड़ता है, क्या बोल करना पड़ता है 3600, यानी कि 60 गुना 60, क्या बोल रहा हूं 60 गुना 60, अभी मिनट है तो फिर से 60 से करेंगे, बोलो समझ आया कि नहीं आया, ठीक है जी। कितना आ गया 10, देखिए 1/10 यानी कि 0.1 आवर, ये कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे कन्वर्जन्स होते हैं। तो 0.1 लिख लो या सीधा प्यारे बच्चों क्या लिख लो, 1/10 लिख लो। आई होप कि आपको ना मजा तो आया होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा, पर दो आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये सारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेम सवाल है, सेम सवाल है, होमवर्क के लिए डाल रहा हूं, और आई होप कि आप इसको जूम करेंगे और देखेंगे, नहीं है तो आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी है, इसमें आपको सोल्यूशन भी मिलेगा और अच्छे से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। अपना खास ख्याल रखना प्यारे बच्चों, और तैयारी करना नहीं छोड़नी है, तैयारी ही मेन है जो कि एक बच्चे के लिए जो है वो लक्ष्य निर्धारित करती है। और जब भी अपनी तैयारी करें तो वन मोर करके करें, यानी कि एक बार फिर प्रैक्टिस। तो इसी बात के साथ आज का मैं लेक्चर क्लास क्लोज करता हूं, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, जय हिंद जय भारत।